RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद सैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया। BRS के कौमी सदर व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा है, जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर अन्ना हजारे तक बेदारी पैदा की और मुल्क को रोशन किया। CM ने कहा है कि महाराष्ट्र इसलिए जदोजहद कर रहा क्योंकि एक के बाद दीगर रियासती हुकूमतों ने गैर जिम्मेदाराना और मतजाद पॉलिसियां अपनाई है। BRS सुप्रीमो ने तेलंगाना भवन में महाराष्ट्र के कई अहम कायदीन के साथ मीटिंग की। पार्टी कायदीन ने महाराष्ट्र में पार्टी की तामीर और BRS को मजबूत करने के बारे में तबादला ख्याल किया। कांग्रेस ने कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए मंगल के रोज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें हिंदुत्व तंजीम, बजरंग दल और इस्लामी तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों पर पाबंदी लगाने का वादा किया गया। मंशूर में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे अफराद और तंजीमों के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए पुरअज़्म है जो जात पात या मजहब की बुनियाद पर बरादरियों के दरमियान नफरत फैलाते हैं। मंशूर में कहा गया है कि हम समझते हैं कि कानून और आइन सबसे मुकद्दम है और बजरंग दल PFI जैसी तंजीमों के जरिए उसके खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। ये तंजीमें अक्सरियती या अक्लियती बरादरियों के दरमियान दुश्मनी या नफरत को फरोख दे रही। अगर पार्टी रियासत में बरसरे इख्तदार आती है तो वो कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई करेगी, जिसमें उन पर पाबंदी आयद करना भी शामिल है। तेलंगाना असेंबली के जारी साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का अपोजिशन कांग्रेस ने आगाज कर दिया है। पार्टी को निचली सतह से मुस्तकम करने, अवामी मसाइल को जागर करने के लिए सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का सरगर्म हो चुके हैं। अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटक से हैदराबाद पहुंचेंगी। पड़ोसी रियासत में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। हैदराबाद के सरूनगर में प्रियंका गांधी के जलसे का अहतमाम किया जा रहा, जिसके लिए पार्टी का रियासती यूनिट सरगर्म हो गया है और इंतजाम का आगाज कर दिया गया। पार्टी को ये तवक्को है कि प्रियंका गांधी के जलसे से पार्टी केडर में नई जान पैदा होगी और पार्टी को इंतखाबी फायदा होगा। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सदर शरद पवार ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान किया, जिसके बाद रियासत भर में पार्टी कारकुनों ने एहतजाज करके उनसे इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। उनकी सने उमरी लोक माझे संगति, जिसमें उनके सियासी करियर के ताल्लुक से मुख्तलिफ इंकशाफात किए गए हैं, उसके रस्म इजरा के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए पवार ने कहा कि मैं NCP के कौमी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन वो सियासत में सरगर्म रहेंगे। नेज उन्होंने सियासत से किनारा कुशी अख्तियार नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया कि शरद पवार की जगह पार्टी सरबराह कौन होगा। पवार के NCP के आला ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान करने के फौरन बाद पार्टी दफ्तर में रजाकारों ने जबरदस्त एहतजाज देखा गया, जिसमें उनसे इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के दिन फिल्म दी केरला स्टोरी की रिलीज पर इल्तवा जारी करने की गुजारिश करते हुए दाखिल की गई अर्जी पर समाप्त करने से इनकार कर दिया। अर्जी इस बुनियाद पर दाखिल की गई कि ये नफरत अंगेज तकरीर की बदतरीन किस्म और एक ऑडियो वीडियो प्रोपेगेंडा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट निजाम पाशा ने जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि जुम्मे के दिन रिलीज की जाने वाली फिल्म को 16 मिलियन नाजरीन हासिल हुए हैं। पाशा ने कहा कि यह फिल्म नफरत अंगेज तकरीर की बदतरीन किस्म है, ये मुकम्मल तौर पर ऑडियो वीडियो प्रोपेगेंडा है। बेंच ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की नफरत अंगेज तकरीर है। इस फिल्म के लिए सर्टिफिकेशन हासिल किया गया और बोर्ड की जानिब से मंजूरी दी गई। ये एक ऐसा मामला नहीं जिसमें एक शख्स पोडियम पर चढ़कर बेकाबू तकरीर शुरू कर दे। अगर आप फिल्म की रिलीज को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको मुनासिब फोरम के जरिए सर्टिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए, जिसके बाद सिब्बल ने कहा कि वो जो भी जरूरी हो करे।
करेंगे। जस्टिस नागरत्ना ने दरख्वास्त गुजार को पहले हाई कोर्ट से रुजू होना चाहिए कहा। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, आरएनएस यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। नैन संवस किडनी स्टोन तो चला बाधपड़ डाक्टर दिल्ते चाल खर्च अंत अर्थना స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు, ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిట్ స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే रिपोर्ट था। देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहें? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पर दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।